अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद खातिब सलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम थर्मल इंजन का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हीट इंजन क्या होते हैं। हीट इंजन का काम होता है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जैसे कि कार का इंजन, जैसे कि ट्रेन का इंजन, ये सारे क्या हैं, हीट इंजन है। अब कार्नट इंजन क्या होता है? कार्नट इंजन भी हीट इंजन ही होता है, लेकिन ये 100% एफिशिएंट होता है। 100% एफिशिएंट इस तरह होता है कि हम इसको डिजाइन करते हैं इस तरीके से कि एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो अचीव हो जाए, मींस जहां से जिस स्टेज से स्टार्ट हो इंजन वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाए, उसको हम कहते हैं कार्नट इंजन। अब कार्नट इंजन क्या है? सैडी कार्नट ने प्रपोज किया था हीट इंजन को, जिसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% है। जितने भी इंजन होते हैं, जितने भी हीट इंजन होते हैं, सबकी वर्किंग प्रिंसिपल जो है सेम होते हैं। अब वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्नट साइकिल क्या है। कार्नट साइकिल क्या होता है बच्चों, के ऐसा साइक्लिंग प्रोसेस जिस जो जो परफॉर्म कर रहा हो, जो परफॉर्म हो रहा हो, इसमें कार्नट इंजन के अंदर किस कर क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्नट साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब कार्नट साइकिल जो होते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। कार्नट साइकिल में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हीट रिजर्वायर होता है। हीट रिजर्वायर क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम जितनी चाहे हीट ले लें, उसकी अपनी एनर्जी, उसका अपना टेम्परेचर कम नहीं होगा। जबकि कोल्ड रिजर्वायर क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर एक ऐसी बॉडी होती है जिससे जिसको आप जितनी चाहो एनर्जी दे दो, उसका अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जैसे कि हमारा सराउंडिंग। सिमिलरली इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर एलईडी होती है कि वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता। इसके अलावा हम इंजन्स के अंदर एज एयर यूज कर रहे होते हैं वर्किंग सब्सटेंस, तो वर्किंग सब्सटेंस भी होता है हमारे इंजन के अंदर। इसके अलावा हमारा सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में लोड भी मौजूद होता है, उस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन भी मौजूद होता है। ये सारा क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा कॉम्पोनेंट कहलाएगा किसका, कार्नट इंजन का। अब इसके अलावा कार्नट साइकिल्स के प्रोसेस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो कार्नट साइकिल के प्रोसेस जो है वो चार होते हैं, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री और प्रोसेस फोर। अब प्रोसेस वन क्या है, कार्नट साइकिल जो है वो चार प्रोसेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री और प्रोसेस फोर। इसको हम जो है वो एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस वन, ए टू बी। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल डायग्राम में नजर आ रहा है ए टू बी, और साथ में ग्राफिकल डायग्राम में भी नजर आ रहा है ए टू बी। अब जो प्रोसेस वन ए टू बी है वो उसका नाम रखा है हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, और एक्सपेंशन का मतलब होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसे अचीव होगी, ये आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंडीशन ऐसे अचीव होगी कि हम पिस्टन पे से लोड को क्या कर रहे होंगे बच्चों, पिस्टन पे से हम लोड को कम कर रहे होंगे। जब पिस्टन पे से हम लोड को कम करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और पिस्टन ऊपर जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इस्तेमाल हो जाएगी। अगर इन केस हम इस प्रोसेस को बहुत स्लो रखें कि पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, तो जितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है पिस्टन को ऊपर ले जाने में, वो सारी एनर्जी हीट रिजर्वायर दे दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सिस्टम है उसको कहाँ रखा है, हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा है। तो पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो एनर्जी जो है वो हीट रिजर्वायर सप्लाई कर देगा, तो इस तरह एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहेगी और टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको समझाई है उसी चीज को मैं यहाँ पर डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको, कि आपको नजर आ रहा है बच्चों पिस्टन पे लोड जाता है। ठीक है, हम पिस्टन पे से लोड को कम कर रहे हैं। ठीक है, जब पिस्टन पे से लोड कम करेंगे तो पिस्टन यहाँ पर नीचे है। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा पिस्टन यहाँ पर नीचे है, इसका वॉल्यूम कम है, यहाँ का वॉल्यूम दिख रहा ज्यादा है, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्रोसेस क्योंकि बहुत स्लो है तो जितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी पिस्टन को ऊपर ले जाने में, वो कौन दे रहा है, हीट रिजर्वायर दे रहा है। इतना एनर्जी भी कांस्टेंट है, टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, जैसे आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट का टेंपरेचर भी T1 है और बी पॉइंट का टेंपरेचर भी क्या बच्चों, T1 है। दिख रहा होगा ए का भी टेंपरेचर T1, बी का भी टेंपरेचर T1। ठीक है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो आपको दिख रहा होगा प्रेशर यहाँ का ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर क्या बच्चों, कम है। अच्छा, एक और चीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ का वॉल्यूम कम, यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा, आपको दिख रहा होगा यहाँ का वॉल्यूम कम है, ए पॉइंट का वॉल्यूम कम है और बी पॉइंट का वॉल्यूम क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, ये प्रोसेस था हमारा प्रोसेस वन। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस टू। जो प्रोसेस टू है हमारा बच्चों,
उसका नाम रखा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन बी टू सी, ठीक है। तो अब सिलेंड्रिकल डायग्राम हम यहाँ से बी से सी की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है, और ग्राफिकल डायग्राम आपकी बी टू सी यहाँ से आता है, ठीक है। अब सबसे पहले ही समझ लीजिए आप लोग कि प्रोसेस जो टू है हमारा बी टू सी, यहाँ पर आपको मजा आ रहा होगा हीट सप्लाई नहीं होगी, तो ऐसा प्रोसेस में हीट सप्लाई ना, उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है उसको हम कहेंगे एक्सपेंशन। तो बी टू सी प्रोसेस जो है बच्चों हमारा, ये हमारा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट सप्लाई नहीं होती, तो मीन्स बेस ऑफ द सिस्टम जो होगा या बेस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो रखा जाएगा इसके ऊपर इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि हमने बेस ऑफ सिलेंडर को रखा है इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हम ये करते हैं पिस्टन पे से लोड को कम करते हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर दो लोड रखा है, यहाँ पर एक भी लोड नहीं है, मीन्स पिस्टन पे से लोड को कम किया गया। जब पिस्टन पे से लोड को हमने कम किया तो डेफिनेटली पिस्टन जो है वो पिस्टन पे से लोड कम हो गया तो यहाँ का इंटरनल प्रेशर बढ़ गया गैस का, तो गैस क्या करेगी पिस्टन को धक्का देते ऊपर ले जाएगी, पिस्टन ऊपर से मूव करेगी, ठीक है। तो आपको देख रहा होगा यहाँ का लोड ज्यादा है, यहाँ का लोड कम है, ठीक है। यहाँ का वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको कम है जबकि यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पिस्टन ऊपर जाएगा और एनर्जी जो है होगी गैस की इस्तेमाल हो जाएगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर T1 से क्या हो गया बच्चों T2 हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया T1 से T2 हो गया, ठीक है। तो ये बात सारी बातें यहाँ पे लिखी मैंने, आप देख लीजिएगा इसको, कि जब हम लोड को पिस्टन पर से कम करते हैं जो पिस्टन ऊपर जाता है और इंटरनल एनर्जी जो कि इस्तेमाल हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, T1 से क्या हो जाता है बच्चों T2 हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा प्रोसेस नंबर 2 जो कि बी टू सी था। 3 हमारा जो हम कहते हैं इसका नाम रखा है हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और कंप्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे अचीव होगा, जब हम बेस ऑफ सिलेंडर को रखेंगे कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर, कोल्ड रिजर्वायर ऐसी बॉडी होती है जो एनर्जी को क्या कर सकती है बाहर निकाल सकती है, रिजेक्ट करवा सकती है और जितनी चाहे एनर्जी को हम बाहर निकाल सकते हैं कोल्ड रिजर्वायर की तरह, जैसे कि हमारा सराउंडिंग एयर। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, ये प्रोसेस तरह होगा कि लोड जो होगा पिस्टन पे उसको हम क्या करेंगे बच्चों बढ़ाएंगे। जब पिस्टन पे से लोड बढ़ेगा, जब पिस्टन पे लोड बढ़ेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अब हम चाहते हैं एकदम से एनर्जी ना बढ़े, हम चाहते हैं एनर्जी आराम आराम से बढ़े और जितनी एनर्जी बढ़ रही होगी वो सारी एनर्जी क्या हो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रोसेस को बहुत स्लो करना होगा कि जितनी एनर्जी बढ़ रही होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी रिजेक्ट करवा देगा कौन, कोल्ड रिजर्वायर, ताकि टेम्परेचर जो है वो T2 पे क्या हो जाए मेंटेन हो जाए। अब यही चीज बच्चों इस डायग्राम में हम आपको समझाएंगे, आप देखिएगा इसको कि यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन में आपको नजर आ रहा होगा कि लोड नहीं है जबकि डी पॉइंट के ऊपर आपको नजर आ रहा है लोड है, मींस आपने यहाँ पर लोड बढ़ाया है, ठीक है। जब लोड बढ़ाया तो पिस्टन क्या होगा डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो आपको देख रहा होगा यहाँ पर पिस्टन ऊपर है और यहाँ पर पिस्टन क्या है नीचे है, मींस लोड आने में पिस्टन नीचे आया है, ठीक है। जब पिस्टन नीचे आया है तो एनर्जी बढ़ रही थी, वो एनर्जी जो बढ़ी उसको बाहर निकाल दिया कोल्ड रिजर्वायर ने, ताकि टेम्परेचर T2 जो था वही T2 टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि प्रोसेस आइसोथर्मल रहे और क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है इसलिए इसको नाम रखेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन का। अब आप यहाँ पर देखिएगा C2D जो डायग्राम हमने बनाई हुई है, C2D जो डायग्राम हमने बनाई है इसमें क्या हो रहा है, हीट बाहर निकालने के लिए कोल्ड रिजर्वायर मौजूद है जो कि हीट Q2 अमाउंट जो है बाहर निकाल रहा है। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ का प्रेशर जो है वो कम है, सी पॉइंट का प्रेशर कम है जबकि डी पॉइंट का प्रेशर क्या बच्चों ज्यादा है, जबकि वॉल्यूम जो है सी पॉइंट का ज्यादा है और डी पॉइंट का वॉल्यूम क्या है कम है, ठीक है। तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर T2 जो है वो क्या है मेंटेन है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस नंबर 4। तो हम पढ़ेंगे प्रोसेस नंबर 4। प्रोसेस नंबर 4 जो है वो डी से ए है और इसका नाम रखा है हमने एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक का मतलब होता है यहाँ पर हीट सप्लाई नहीं हो रही है और कंप्रेशन मींस वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हीट सप्लाई नहीं हो रही है इसीलिए आपने बेस ऑफ सिलेंडर को कहा है बच्चों इंसुलेटर के ऊपर रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम चाह रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम कम हो। अब वॉल्यूम कम कैसे होता है बच्चों, वॉल्यूम इस तरह कम होता है कि जब लोड बढ़ जाए तो आप देखिएगा डी टू ए में क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ का वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम
कम कैसे होता है लोड बढ़ा के, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लोड एक है, यहाँ पर लोड तीन है, मीन्स हमने लोड बढ़ाया है, लोड बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है तो वजन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब जब आप इस पर लोड बढ़ाओगे तो पिस्टन नीचे आ रहा होगा, पिस्टन नीचे आ रहा होगा तो एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही होगी तो अब एनर्जी जो बढ़ रही है उसको बाहर निकालने के लिए कोई कूल्ड जोन नहीं है, इंसुलेटर है, तो क्या होगा टेम्परेचर जो था T2, अब वो टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया T1 हो गया। तो हमने यहाँ पर ये देखा है बच्चों कि जो इनिशियल स्टेट थी A, वो वापस A से B, फिर B से C, फिर C से D और D से A वापस आ गई है, मींस यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो ये सिस्टम हमारा 100% एफिशिएंट है, मींस कार्नट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या है 100% है। तो ये जो आइडिया है वो सैडी कार्नट ने दिया था और इस इंजन को हमने नाम रखा है कार्नट इंजन का, ये एक आइडियल मशीन है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा।